डियर स्टूडेंट, मैं बीरबल प्रसाद आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ टेंस सीरीज की पांचवी वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को देखेंगे, जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं उसको आज के वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे सेम नेम से बीरबल प्रसाद सर से फॉलो करके कोई भी आप प्रश्न वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान को थोड़ा गौर से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, तभी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आएगा। हिंदी के वाक्य के अंत में आ, ई या फिर ए और कभी कभी या था, ई थी, ये थे भी लगा रहता है। तो इस तरीके के अगर आपको किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में दिखाई देता है तो आपको समझना चाहिए कि ये जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे जो सेंटेंस होंगे वो पास्ट इंडेफिनिट होंगे। मैंने पहला सेंटेंस लिख रखा है, मैंने उसे पढ़ाया था। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, लास्ट में लगा हुआ है या था। तो इस सेंटेंस की जो क्रिया है या फिर इस हिंदी सेंटेंस का जो क्रिया है वो किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। या फिर आप यूं कहें कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दूसरा मैंने लिख रखा है, मैंने उसे पढ़ाया। आप या तो बोलें पढ़ाया था या फिर पढ़ाया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे या लगा हुआ लास्ट में, तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि या था लगा हुआ रहे या फिर या लगा हुआ रहे। ठीक उसी तरह से ई थी लगा हुआ रहे या फिर ई लगा हुआ रहे। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। चलिए अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसको सिर्फ याद रखना है। बाकी मैं आपको लॉजिकल तरीके से इसके सारे जो सेंटेंस होते हैं उसके स्ट्रक्चर को याद करवा दूंगा। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट, जो दुनिया के कोई भी सेंटेंस में आता है। उसके बाद आता है भी टू यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म। याद रखिएगा इसमें मेन जो है यही है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की दूसरी फॉर्म लगता है, आपको याद रखना है। और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं, इसके एग्जांपल से समझते हैं। उसने कल एक बाघ मारा था, या फिर आप यूं कहें कि उसने कल एक बाघ मारा। दोनों का ट्रांसलेट आप इसी टेंस से करोगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे उसने, इसकी अंग्रेजी होगा ही, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ही। यहाँ पे वर्ब देखिए मारना है, तो मारना का जो किल होता है इसका भी टू होगा किल्ड, तो हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट प्लस भी टू यानी ही किल्ड। अब हमारा ऑब्जेक्ट है एक बाघ, तो यहाँ पे ए टाइगर, क्लियर। और यहाँ पे एक लगा हुआ है कल, टाइम है, तो यहाँ पे हम करेंगे यस्टरडे, ही किल्ड अ टाइगर यस्टरडे, क्लियर। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। दूसरे एग्जांपल से समझिए, रानी ने मुझे एक पुस्तक दी। यहाँ पे दी थी रहेगा या फिर दी भी रह सकता है, तो दोनों का ट्रांसलेट इसी टेंस से बनेगा। तो देखिए हमने बनाया सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हमारा हुआ रानी, और उसके बाद हमने लिखा वर्ब की दूसरी फॉर्म यानी देना। तो देना का दूसरा फॉर्म क्या होता है, गेव, गिव का दूसरा फॉर्म गेव। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा था मी, तो रानी गेव मी, और इसमें दो दो ऑब्जेक्ट है, तो हमने फिर से लिखा ए बुक। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट को ये परेशानी होता है कि हम कैसे बनाएं इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसको। तो आप जैसे ही वीडियो के आगे बढ़ते जाइएगा आपको समझ में ये आता रहेगा। तीसरा एग्जांपल है सुग्रीव ने राम की मदद की थी। तो आपने यहाँ पे देखा जो सब्जेक्ट है वो सुग्रीव है, तो सुग्रीव हमने लिख दिया। और मदद करना की अंग्रेजी होता है हेल्प, जिसका भी टू यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म है हेल्प्ड।
और साथ में हमने ऑब्जेक्ट राम को लिख दिया है, यानी आपका जो कंप्लीट सेंटेंस हो गया सुग्रीव हेल्प्ड राम। क्लियर। चलिए अब चलते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ। इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने मैच जीता, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे ता जीता यानी आ लगा हुआ है, तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको भी हम इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे। अब आपने अगर मेरी सिंटेक्स वाली वीडियो देखी है जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, तो आपको ये ट्रांसलेशन बहुत आराम से बन जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन पे यहाँ पे आपको आपका जो सिंटेक्स है उसके सारे वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ इस विद्यालय के विद्यार्थियों, तो इसका जो हम अनुवाद करेंगे कुछ इस तरीके से करेंगे, पहले विद्यार्थियों के लिखेंगे, उसके बाद ऑफ का करेंगे और उसके बाद करेंगे इस विद्यालय के। देखिए करते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, सबसे पहले हमने यहाँ पे कर दिया विद्यार्थियों का, उसके बाद ऑफ लगा के इस विद्यालय का अंग्रेजी लिख दिया। आपका ये सब्जेक्ट है द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब की दूसरी फॉर्म। इस टेंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस टेंस में आपको ये नहीं देखना पड़ता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ वी टू लगा देना है। वी टू सब के साथ लगेगा, कोई भी पर्सन हो, कोई भी आपका नंबर हो, मतलब फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब के साथ वी टू लगा दो। ये इसमें आप बहुत आसानी से, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा कि सिंगुलर के साथ ये लगाओ और प्लूरल के साथ ये लगाओ। तो यहाँ पे हमने बॉर्न यानी बीन आपका जो होता है इसका मतलब होता है जीतना, तो इसका भी टू हमने यहाँ पे लिख दिया बॉर्न और ऑब्जेक्ट था हमारा द मैच। आपका जो कंप्लीट सेंटेंस हुआ द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल बॉर्न द मैच। चलिए अब चलते हैं अगला, यानी अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, अभी आपने सीखा है अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना, अब आपको आ गया यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताया था कि डू डज डीड के बाद हमेशा भी वन लगता है, यानी वर्ब की हमेशा भी वन फॉर्म आती है जब किसी सेंटेंस में ऑग्जिलरी वर्ब की तरह डू डज या फिर डीड का प्रयोग हो जाता है। तो आपको निगेटिव में यही याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद डीड नॉट, इसे आप डिडंट में भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसे शॉर्टकट में डिडंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और मैंने अभी बताया कि डिड के बाद हमेशा भी वन, तो यहाँ पे भी टू अब की बार नहीं होगा, यही आपको सिर्फ याद रखना है। तो यहाँ पे हो गया भी वन और प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आप नोट करिए, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। डू डज डीड के बाद अगर ऑग्जिलरी वर्ब की तरह डू डज डीड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में होता है तो उसके बाद वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म यानी भी वन प्रयोग होता है, आपने लिख लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे डिडंट के बाद या फिर डिड नॉट के बाद भी वन का प्रयोग हमें करना था। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। उसने कल एक बाघ नहीं मारा था, मैंने वही अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव करके आपको यहाँ पे दिखाना यहाँ पे मैंने चाहा है। देखिए तो सबसे पहले उसने का अंग्रेजी ही हुआ, उसके बाद यहाँ भी आपको कोई भी प्लूरल सिंगुलर का केस नहीं है, डायरेक्ट डिड नॉट लगा दो अगर आपका निगेटिव है तो ही डिड नॉट, उसके बाद किल लगेगा क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म हमें चाहिए, तो हो गया आपका ही डिड नॉट किल अ टाइगर यस्टरडे। दूसरा सेंटेंस है रानी ने मुझे एक पुस्तक नहीं दी,
तो ठीक उसी तरह से रानी डिड नॉट, कुछ भी नहीं सोचना है कि कौन सा पर्सन है और कौन सा नंबर है, डायरेक्ट डिडंट या फिर डिड नॉट लगा दो। तो रानी डिड नॉट, उसके बाद गिव होगा वर्ब की पहली फॉर्म, गिव मी अ बुक। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। सुग्रीव ने राम की मदद नहीं की थी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सुग्रीव करेंगे क्योंकि यह हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड नॉट लगाऊंगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म तो हेल्प होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा राम है, और कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा सुग्रीव डिड नॉट हेल्प राम। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने मैच नहीं जीता, तो ठीक उसी तरह से डिड नॉट लगा देना है। तो हमारा जो इसका ट्रांसलेशन हुआ, द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, यहाँ पे याद रखिएगा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल होगा क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों की बात की गई है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल डिड नॉट विन द मैच। क्लियर, चलिए अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, मैंने आज तक और अभी तक जितने सारे टेंस के स्ट्रक्चर वाली लेक्चर आपको दिया है उसमें मैंने आपको इंटेरोगेटिव को याद करने के लिए नहीं कहा है। स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से याद करते हैं, आपको पता है हर एक टेंस के इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले ऑग्जिलरी वर्ब या फिर आप यूँ कहें कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखिए इसमें ऑग्जिलरी वर्ब था डिड, तो इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा सब उसमें सबसे पहले डिड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर निगेटिव होगा तो नॉट लगाओगे, और अगर निगेटिव नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाओगे, उसके बाद भी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, आपका जो स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट ज़रूरत रहने पर लगाना, मतलब हिंदी के वाक्यों में नहीं लगा हुआ रहेगा तब भी लगाना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है क्या मोहन ने खाना खाया, तो हम सबसे पहले लगाएंगे डिड, डिड मोहन, उसके बाद नॉट नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें तो निगेटिव बात कही नहीं गई है तो हमें नॉट नहीं लगाना। डिड प्लस सब्जेक्ट यानी डिड मोहन, उसके बाद भी वन ईट फूड, ठीक है, डिड मोहन ईट फूड। चलिए दूसरा एग्जांपल है क्या मैंने आप लोगों की मदद की, ये देखिएगा इसमें भी नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि कहीं पे हिंदी के वाक्यों में नहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो चलिए इसका कैसे बनाएंगे, डिड आई हेल्प यू, मैंने डिड लगाया, अब इसमें तो टेंशन लेना नहीं कौन सा पर्सन कौन सा नंबर, डायरेक्ट डिड आई, उसके बाद भी वन हेल्प, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा लंबा है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्या इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने मैच नहीं जीतने की कोशिश की। जी हाँ, अब इसको ध्यान से समझिएगा, तो इसका होगा आपका डिड द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। पहले मैं यहाँ तक समझा दूँ, चूँकि ये इंटेरोगेटिव है इसीलिए हमने लगाया है सबसे पहले ऑग्जिलरी वर्ब जो है डिड, तो हमने कर दिया डिड द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, यहाँ तक सब्जेक्ट है द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ था हिंदी के वाक्यों में नहीं तो हमने लगा दिया सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद है यहाँ पे देखिए दो दो वर्ब है, जितना और कोशिश करना, तो जब भी दो वर्ब आएगा ना तो सबसे पहले इधर वाला जो वर्ब होगा उसको लिखना और फिर दूसरा वर्ब लिखना और दोनों के बीच में टू लगाना, ठीक है। तो वही बात मैंने की है, नॉट ट्राई टू बीन, यहाँ पे देखिए ट्राई भी वर्ब है और बीन भी वर्ब है, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने टू का प्रयोग कर दिया है, तो यहाँ पर हमने कर दिया नॉट ट्राई टू बीन द मैच। क्लियर, चलिए अब चलते हैं WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस।
तो मैंने आपको बताया है इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, अभी तक जितने सारे टेंस आपने पढ़ा है या फिर आगे पढ़ोगे उसका यही स्ट्रक्चर होगा, बस आगे डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो और इंटेरोगेटिव का सेम स्ट्रक्चर होगा किसी भी टेंस में। मतलब इस लॉजिक से आप याद रख सकते हो, रटना नहीं है, समझ कर करना है। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, अगर ज़रूरत होगा तो डालेंगे, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही होगा, उसके बाद वी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल, मोहन ने खाना क्यों नहीं खाया, तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी होगा वाई, और उसके बाद लगाएंगे डिड, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब डिड होगा, वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है मोहन। चूँकि ये निगेटिव है इसलिए हमने मोहन नॉट लगाया है, ईट फूड। दूसरा सेंटेंस है, क्या मैंने आप लोगों की मदद, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, अच्छा इसको सही कर देता हूँ। चलिए देखिए, अब कहता है मैंने आप लोगों की मदद क्यों की, तो ठीक इस तरीके से है, मैंने आप लोगों की मदद क्यों की, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, है ना, तो क्यों की अंग्रेजी होगा वाई, उसके बाद डिड आई हेल्प यू, क्यों, क्योंकि वाई के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट जो आई है, उसके बाद वी वन हेल्प, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वाई डिड आई हेल्प यू। मैं सारे सेंटेंस को इसीलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि समझाते समझाते आपको आपके दिमाग में सारे स्ट्रक्चर बैठ जाए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल है इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने मैच जीतने की कोशिश क्यों नहीं किया, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले वाई होगा क्योंकि क्यों लगा हुआ है उसकी अंग्रेजी, तो वाई डिड द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल नॉट ट्राई टू विन द मैच, इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें वाई लगेगा क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में क्यों लगा हुआ है और बाकी सेम टू वही सेंटेंस होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ स्पेशल देखते हैं इस टेंस में, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपको स्ट्रक्चर वाली वीडियो ख़त्म हो जाएगी यानी 12 वीडियो आपको मिल जाएगा 12वां टेंस का, उसके बाद मैं एक स्पेशल जो रूल होता है यानी स्पेशल जो स्ट्रक्चर होता है टेंसेज का, सारे टेंस के जो स्पेशल स्ट्रक्चर हैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे देखिएगा पहला सेंटेंस लिखा हुआ है वह मुझसे मिलने नहीं आया, तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे जो जब सेंटेंस पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट लोग को काफ़ी परेशानी होती है और उनसे नहीं बनता है, तो मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए इसमें दो वर्ब है मिलना और आना, तो अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब दो वर्ब आएगा तो उसको टू से कनेक्ट कर देना, तो उसी रूल से बनाएंगे। हमारा क्या रूल था पास्ट इंडेफिनिट का, जो मेन रूल था सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, उसी से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट यानी ही, और चूंकि ये निगेटिव है ना तो निगेटिव का रूल लगाएंगे, इसलिए हमने डिड नॉट लगाया है, और उसके बाद कम लगाएंगे क्योंकि आना है तो ही डिड नॉट कम, और फिर मिलना की अंग्रेजी लिखेंगे तो मिलना की दो अंग्रेजी होती है, या फिर आप सी लिखो या फिर मीट लिखो, तो हमने यहाँ पे कर दिया ही डिड नॉट कम टू सी या फिर ही डिड नॉट कम टू मीट मी, क्लियर। चलिए अब चलते हैं दूसरा एग्जांपल की तरफ, दूसरा एग्जांपल है सुरेश मुझे पीटना चाहता था, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको और बहुत से ऐसे टीचर भी हैं वो लिखाते रहते हैं चाहता था चाहती थी चाहते थे ऐसा लगा रहेगा तो ऐसा करना, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, बस इसमें देखिए आपको इसमें भी दो वर्ब है पीटना और चाहना, तो बस उसी रूल से बनाओ ना। तो हमने क्या बनाया सबसे पहले सुरेश, उसके बाद इसमें निगेटिव तो नहीं है ना भाई, तो इसलिए हम डायरेक्ट वी टू लगाएंगे, तो हो जाएगा सुरेश वांटेड, वांट का मतलब चाहना होता है ना, तो हमने कर दिया सुरेश वांटेड, और चूंकि एक और वर्ब आ रहा है पीटना की अंग्रेजी, तो हमने अभी बताया टू लगा के कनेक्ट कर देना है, तो हो जाएगा सुरेश वांटेड टू बीट मी,
क्लियर। चलिए तीसरा एग्जांपल है, उसने मुझसे कुछ कहना चाहा। अब यहाँ भी दो वर्ब आ रहे हैं, पहला कहना और दूसरा चाहना, तो इसे भी उसी तरीके से बनाएंगे। ही, उसने का अंग्रेजी ही हुआ और चाहना की अंग्रेजी, मैंने क्या बताया, सबसे पहले लास्ट वाले वर्ब की अंग्रेजी लिखना। जैसे पहला सेंटेंस में आया की अंग्रेजी सबसे पहले लिखा हूँ, दूसरा सेंटेंस में चाहना की अंग्रेजी पहले लिखा हूँ, उसी तरह से तीसरा सेंटेंस में जो लास्ट में जो वर्ब होगा ना उसका अंग्रेजी पहले लिखना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे उसने कुछ कहना चाहा में हम लिखेंगे ही वांटेड, और कहना की अंग्रेजी होता है से, और दोनों को कनेक्ट करेंगे टू से, और हो जाएगा हमारा ही वांटेड टू से समथिंग। क्लियर। चलिए अब चलते हैं, एक और स्पेशल स्ट्रक्चर है, इस ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा यहीं पे बता दूं। लिखा हुआ है, मेरी माँ प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाया करती थी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या करती थी, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं जाया करती थी। तो ये क्या है, ये पास्ट की आदत है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दूंगा, ध्यान से देखिए। माई मदर, मेरी माँ का सब्जेक्ट, मेरी माँ यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगा माई मदर यूज्ड टू। यूज टू मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे था जाया करती थी, तो यहाँ पे हो गया माई मदर यूज टू, और उसके बाद जाना की अंग्रेजी होगा गो, तो हमने लिखा माई मदर यूज टू गो, और गो के बाद टू लगता है, आपको पता है जब आगे प्लेस होता है तो यहाँ पे टेम्पल क्या है, प्लेस है, तो हमने कर दिया माई मदर यूज्ड टू गो टू टेम्पल। क्लियर। अब है प्रत्येक सोमवार, तो ऑन एवरी मंडे। अब एक बात और यहाँ पे ग्रामर की बताना चाहूँगा, ऑन का प्रयोग दिनों के नाम के पहले होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ऐसे करके जो रहेगा उसके पहले हम ऑन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हमने ऑन एवरी मंडे कर दिया। दूसरा एग्जांपल है, मेरी दादी कहानियाँ सुनाया करती थी। इसमें भी देखिए लिखा हुआ है या करती थी, मतलब दादी की आदत थी कहानियाँ सुनाने की, तो इसको भी उसी रूल से बनाएंगे, तो हमने कर दिया माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, और यूज टू के बाद जब लगाएंगे वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे टेल है, टेल का मतलब कहना या फिर सुनाना, तो हमने कर दिया माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल द स्टोरीज, ढेर सारी कहानियाँ सुनाती थी, इसलिए हमने स्टोरीज कर दिया। अब इसका स्ट्रक्चर भी आप लिख लीजिए, आपको हो रहा होगा टेंशन कि आपने तो स्ट्रक्चर बताया नहीं, तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे यूज्ड टू, ठीक है जी, उसके बाद भीवन लगाएंगे यानी वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स का मतलब है ऑब्जेक्ट, और ढेर सारे वर्ड्स जो आगे आते रहेंगे, ठीक है ना, उन सारे का प्रयोग करेंगे आप। तो एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस भी वन प्लस अदर वर्ड, ये था इसका स्ट्रक्चर। तो गाइज पास्ट इंडिफिनिट में इतना सारा जो रूल था आपके लिए पर्याप्त है, आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे और सारे टेंसेज के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।